क्या कर रहे हैं आप? ये सुनने नहीं आए हैं हम, उर्वशी का नृत्य देखने आए हैं। और ये क्या है? बीमार हैं आप? ये कौन सा राग है? राग बीमारी? हमें पहले से ही पता था। ये लेकर आइए आप वापस जरा। और ये उर्वशी कहाँ है? अब तक आई क्यों नहीं है? अब्बा हुजूर, अभी तो मामू जान भी नहीं है। हाँ जापना, आज बलदेव जी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, इस बात से आप खुश हैं कि दुखी हैं कि वो यहाँ पर नहीं है? वैसे हमने उन्हें एक पड़ोसी देश में कुछ काम से भेजा है। अब पड़ोसी देश गए हैं तो वहां पर घूम फिर कर आएंगे वो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। 200 साल पहले हम प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे। 200 साल पहले? लेकिन आप 20 साल से ज्यादा के तो खुद नहीं लग रहे हैं, फिर ये 200 साल? हाँ कुकू, आप सही कह रहे थे, वो 90 साल की दासी रत्ना ही इसकी प्रेमिका होगी। जापना, मैंने भी तो पुनर्जन्म लिया है। आपने भी पुनर्जन्म लिया है? हाँ जापना, आज से 200 साल पहले मैं राजा ध्यान सिंह के राज्य के उन बंजारों कबीले का सरदार था और उसी कबीले की बेटी रत्ना से प्यार करता था। पर राजा ध्यान सिंह के बेटे राजकुमार जान सिंह की नजर मेरी रत्ना पर पड़ गई और उन्होंने मेरी रत्ना को पाने के लिए कितने जतन किए। मैंने और मेरी रत्ना ने हमारे प्यार को बचाने की बहुत कोशिश की जापना, पर आखिरी में राजकुमार जान सिंह के सामने में टकरा नहीं पाए और आखिर में हमें अगले जन्म में मिलने की कसम खा के हमने दुनिया छोड़ दी। मैंने पुनर्जन्म लिया है जापना और मैं अपनी रत्ना को लेने आया। अगर आपको यकीन नहीं आता जापना तो आप जांच कर सकते हैं। पिछले जन्म में मेरी रत्ना के दाएं घुटने में एक छोटा सा प्यारा सा तिल था और मुझे पूरा यकीन है इस जन्म में भी उनके दाएं घुटने में वो छोटा सा प्यारा सा तिल होगा। ठीक है, दिखाइए जापना। मतलब आप खुद जरा देखिए और देख के हमें बताइए कि तिल है कि नहीं। हमारे दाएं घुटने में तिल है। यकीन आया जापना? आखिर में हमारा मिलन तो होना ही था। कृपया करके आप हमारे प्यार का साथ दे और मुझे अपनी रत्ना को यहाँ से ले जाने की इजाजत दे जापना। चलो रत्ना। अरे ऐसे कैसे चलो? हाँ अगर इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अगर इन्होंने कहा कि रत्ना के घुटने पे तिल पिछले जन्म का, इस जन्म के उर्वशी के घुटने पे तिल है, तो इत्तेफाकन भी तो ऐसा हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि उर्वशी के पीठ पे मस्सा है तो नहीं है। है? हमें कैसे पता कि उर्वशी के पीठ में मस्सा है? हमने तो ऐसे ही इत्तेफाकन बोल दिया। तो जैसे इनके घुटने का तिल वैसे हमारे पीठ का मस्सा, इत्तेफाक। नहीं वैसे बात तो सही है, इत्तेफाक तो होते हैं। अब यही इत्तेफाक ले लीजिए, रानी साहिबा हमसे रोज कहती रही कि आप मोटे हैं मोटे हैं मोटे हैं, और उस दिन हमने अपने आप को आईने में देखा तो हम वाकई में मोटे हैं। फिर तो इत्तेफाक की बात हो गई ना। आप हमें बताइए कि और कोई सबूत है आपके पास? मतलब और कोई अगर तिल हो कोई? जापना। नहीं नहीं, हमारा मतलब है तिल नहीं, कोई और सबूत जिसे आप साबित कर पाए कि यही आपकी रत्ना है। ठीक है जापना, अगर आप चाहो तो राजा ध्यान सिंह के उन बंजारों की उजड़ी हुई बस्ती में जाकर देख सकते हैं। मेरी और मेरी रत्ना की सालों पुरानी तस्वीर आज भी लगी हुई है। तो मैंने और मेरी रत्ना ने घंटों साथ बैठकर बड़े प्यार से एक चित्रकार से बनवाई थी। साबित तो करना होगा। दरबान जी। हुजूर, अब तुरंत ये राजा ध्यान सिंह के राज्य में जाइए और ये 200 साल पुरानी तस्वीर लेकर आइए। आप चाहे तो जापना वहां पे किसी से भी पूछवा सकते हैं कि अपनी प्रेमिका के लिए अंबर ने जान दी थी या नहीं।
ये क्या बात हुई? प्यार आप दोनों ने किया और जान किसी अंबर ने दे दी। जापना अंबर मैं ही हूँ। मैंने अपनी रत्ना के लिए पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, इनके बारे में हमने सुना तो बहुत है लेकिन कभी देखा नहीं है। लेकिन इन बातों को सुन के ना मजा बड़ा आता है। धन्यवाद जापना, आपने हमारे प्यार को समझा। चलो रत्ना। छोड़िए, ऐसे कैसे चलते हैं हम आपके साथ? क्या इतना कहने के बाद भी तुम्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं आया रत्ना? नहीं। दो दिन साथ रहोगी तो सब याद आ जाएगा। दो दिन? चलो। अरे ऐसे कैसे चलो? हमारा मतलब है जापना, पुरुषि को अपना पिछला जन्म याद ही नहीं है तो दो दिन इनके साथ ऐसे? बात तो आपकी सही है किंतु मैं याद नहीं दिलवाऊंगा तो इन्हें अपना पिछला जन्म याद कैसे आएगा जापना? बात तो इनकी भी सही है। हमें लगता है कि याद दिलाने के लिए इनका यानी कि अंबर का यहाँ पर हमारे महल में रहना जरूरी है। अगले कुछ दिनों के लिए अंबर आप हमारे मेहमान बन के हमारे महल में रहेंगे। क्या दरबान, इन्हें मेहमान खाने तक पहुंचा दिया जाए और वहां से ही आप निकल जाइए सीधा राजा ध्यान सिंह के यहाँ, वो तस्वीर लेने के लिए 200 साल पुरानी। पता है वो हमें पिछले जन्म की बातें याद दिलाना चाहता है लेकिन वो झूठा है। पता है क्यों? क्योंकि उसने कहा कि हम पिछले जन्म में नृत्य करते थे लेकिन हमें याद है हमारी मासी ने हमसे एक बार कहा था कि हम पिछले जन्म में चिपकली थे, चिपकली। तो पिछले जन्म में आपकी मासी क्या थी? चिपकली की मासी। अब बताइए ना आप हम क्या करें? आप भले उसे याद करें ना करें लेकिन वो तो याद दिलाएगा। रत्ना, आपने हमें रत्ना कहा? नहीं तो? तो फिर हमारे कानों को रत्ना क्यों सुनाई दिया? हमने कहा रत्ना। अरे आप यहाँ भी पहुँच गए। प्यार करने वाले तो साये की तरह होते हैं और साये कभी जुदा नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। छोड़िए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पीछे यहाँ तक आने की? आप यहाँ चले क्यों नहीं जाते? तो ये तो बादशाह का हुक्म है कि जब तक आपको अपना पिछला जन्म याद नहीं आ जाता हम यही रह सकते हैं। तानसेन जी समझाइए इन्हें। इन्हें समझाइए। उर्वशी को अगर अपना पिछला जन्म याद आ गया तो वो हमें भूल जाएगी लेकिन हम उर्वशी को कभी नहीं भूल पाएंगे। उर्वशी छोड़िए, नहीं छोड़ सकते, टूट जाएगी। हमारा रास्ता छोड़िए। अरे उर्वशी, हम आपका रास्ता भी तो नहीं छोड़ सकते। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते? हमें जहां जाना होगा हम जाएंगे, जिसके साथ जाना होगा हम उसके साथ जाएंगे, हम अंबर के साथ जाएंगे। अरे ये क्या कह रही हैं आप? अंबर वो हमारे पिछले जन्म का प्रेमी है ना? हाँ, कहाँ थे आप? हमें जा बनाने बुलाया था। जा बनाना? उन्हें हमारे सारे चाहने वालों से बहुत ही ज्यादा लगाव है, पहले आपसे और अब अंबर से। नहीं उर्वशि, ऐसा मत कहिए, हमारा दिल और मत दुखाइए, हम पहले से ही बहुत दुखी हैं। वो अंबर की कहीं 200 साल पुरानी कहानी शायद सच है। ये देखिए। उर्वशी, अरे उर्वशी संभालिए अपने आप को। उर्वशी, उर्वशी। रत्ना, 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 रत्ना। हाँ रत्ना, सुना तुमने? हमारी रत्ना, रत्ना हटिए, हटिए। तुम्हारा प्यार रंग लाया, तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म याद आ गया रत्ना। ये उर्वशी नहीं, ये हमारी रत्ना है, रत्ना। और अब इसे हम जापना से मांगकर हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगे। उर्वशी, रत्ना, इसका मतलब उर्वशी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। बचा लो हमें, बचा लो, हम आपके, सिर्फ आपके।
हम आपका प्यार है, आपकी जिंदगी है, हमने सिर्फ आपके लिए ही जन्म लिया है। ओ, गुरुशी को आखिर उसका पिछला जन्म याद आ ही गया। आप हमें कभी छोड़कर मत जाना, अगर आप चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगे? ऐसा कह के तुमने हमें पराया कर दिया उर्वशी, अब हम किसके सहारे जी? अरे आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम किसके सहारे जिएंगे? अब मत जाइए। मैं कहां तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं रत्ना? सलीम, बेटा सलीम, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? हम बेजान, हम तलवार ढूंढ रहे हैं। तलवार? लेकिन तुम्हारी तलवार तो तुम्हारे कमरे में होगी। हम अपनी नहीं, अब्बा हुजूर की तलवार ढूंढ रहे हैं। अब्बा हुजूर की तलवार? क्यों? क्योंकि हमारी तलवार हमें मिल नहीं रही है अम्मी जान। हमने सोचा क्यों ना अब्बा हुजूर की तलवार से ही उड़ा दें। ओहो, समझ गए हम, तुम्हारे कमरे में वापस से वो चिड़िया आ गई है। इसके लिए तलवार की क्या जरूरत है सलीम? बेटा एक लकड़ी लोड, उड़ा दो उसे। अम्मी जान, हम चिड़िया की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस अंबर की बात कर रहे हैं जो हमारी उर्वशी। तुम्हारी उर्वशी? तुम्हारी मतलब हमारी महल की उर्वशी को परेशान कर रहा है। आप बताइए ना, अब्बा हुजूर की तलवार कहाँ है? बेटा हमें पता नहीं है अब्बा हुजूर की तलवार कहाँ है, और वैसे भी तुम अब्बा हुजूर की तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकती। अरे वो बादशाह अकबर है, उनकी तलवार है वो। अम्मी जान, वो बादशाह अकबर है तो क्या हुआ, हम भी शाही खून है, और आगे चल के उनकी तलवार तख्त व ताज सब हमारा ही है। अब बताइए ना अब्बा हुजूर की तलवार कहाँ है? बेटा हमें नहीं पता बेटा। उन्होंने जरूर शयन कक्ष में छुपाई होगी, क्योंकि हमने देखा है वो अपनी तलवार से ऐसे ऐसे पीठ खुजाते रहते हैं, वहीं छुपाई होगी। बेटा सलीम सुन तो, बेटा 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 मत ले, देख साहिबा, हमने हमारी उर्वशी। आपकी उर्वशी? मतलब हमने हमारे महल की उर्वशी के बारे में कुछ सोचा है। वाह, जो कोई भी आता है उर्वशी के बारे में सोचता है, और ये भी कोई सोचना हुआ? सोचना तो हमारे यहाँ हुआ करता था। हमारे यहाँ क्या हुआ करता था ये हम नहीं जानना चाहते हैं रानी साहिबा, आप ये सुनिए कि हमने क्या सोचा है। रानी साहिबा, उस नौजवान की बातों में हमें सच्चाई दिखाई देती है, वो सच में उर्वशी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और ये दोनों जन्म जन्म के साथ ही है। तो हमने अब फैसला कर लिया है कि इन दोनों का हम अब अलग नहीं होने देंगे। वाह जहांपनाह वाह, और वैसे भी हमारी कोई बेटी तो है नहीं, उर्वशी को यहाँ से विदा करेंगे, कन्या दान करेंगे तो हमें भी पुण्य मिलेगा, है ना? सही कहा आपने रानी साहिबा, उर्वशी की विदाई की तैयारियां की जाए, उर्वशी को इस महल से दुल्हन की तरह विदा करेंगे हम, दुल्हन की तरह। वाह 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 जापना, चलो चलो सलीम बेटा, हमें कपड़े खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, उर्वशी की विदाई होने वाली है। अरे ये क्या ऐलान कर दिया अब्बा हुजूर आपने, जिस उर्वशी को दुल्हन बना के इस महल में लाना था उस उर्वशी को यहाँ से विदा कर रहे, अब हम क्या करें क्या करें? हमें अपनी उर्वशी को बचाना है, लेकिन क्या करें? सोच 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 सोच। आप चुपचाप क्यों खड़े, कुछ तो बोले। मित्र बीरबल, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि वो अंबर अपना पिछला जन्म भूल जाए और बोरिया बिस्तर भागकर यहाँ से चला जाए। अरे पर करें क्या? हम बताते हैं क्या करें। आप कौन? हम शाही खून है हम, पता है, चलिए। अरे अरे बीरबल जी सुनिए, हमारे फौलादी दिमाग में ही है वो जुनून, हम उस अंबर की खोपड़ी तोड़ देंगे। नहीं, मैं हर बार राजा की बेटे की वजह से नहीं जाऊंगा। कौन राजा का बेटा? अरे आप? हम राजा के बेटे,
अब हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। नहीं जाऊंगा, इस बार तो खुद राजा हमारे साथ है रत्ना। उर्वशी, तुम मेरी रत्ना हो। देखा तुमने, हमारा प्यार सच्चा है रत्ना। कहते हैं ना, सच्चे प्यार करने वालों का तो खुदा भी साथ देता है, और खुदा के नेक बंदे ने हमारे प्यार को समझा है, और वो अब हमारा मिलन करवाने जा रहा है। अब हम तुम्हारा मिलन कराते हैं। अरे शहजादे सलीम, नहीं शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, ये क्या कर रहे हो? अरे मामू जान, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है? हमें पता नहीं है, लेकिन ये सब क्या है? मुझे पता है ये सब क्या है। चुप रहे बेवकूफ। मामू जान, अब्बा हुजूर ऐसा नहीं कर सकते। वो उर्वशी को अंबर के साथ विदा नहीं कर सकते। आप उन्हें समझाइए ना। शहजादे सलीम, जहां पर ऐलान कर चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों विदाई की तैयारियां शुरू करो, और आप दोनों विदाई के लिए तैयार हो जाओ, और आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो शहजादे सलीम आपको मार डालेंगे। आइए आप हमारे साथ आइए, चलिए। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें बादशाह अकबर के हुक्म का आदर करना ही होगा। मुझे क्या पता था कि राजकुमार जानसिंह सच में पुनः जन्म लेकर आ जाएंगे। अगर आप अंबर नहीं हैं, तो ये कौन सा राजा जान सिंह है? क्या ये जान सिंह भी नहीं है? हुजूर, शाही खून है हम। ओए भाई साहब, ला 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 ला, ये हमारा शाही खून इतना काला कैसे हो गया? लेकिन वाह वाह सलीम, वाह, पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। ये जो कुछ भी आपने किया बहुत गलत किया, बहुत रत्ना 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 कर रहे थे ना। अब आपका निकाह होगा और रत्ना से ही होगा। रत्ना हमारी 90 साल की दासी। सिपाहियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। नहीं नहीं, जा बना जा बना। हाँ, वैसे बीरबल, एक बात हमारे समझ में आई नहीं, आपको कैसे शक हुआ कि ये लड़का अंबर गलत है और झूठ बोल रहा है? जापना, हमें शक तब हुआ जब हमने अंबर और रत्ना की तस्वीर को ध्यान से देखा। अक्सर चित्रकार चित्र बनाने के बाद चित्र पे अपना नाम लिख दिया करते हैं, उसी तरह इस चित्र को बनाने के बाद भी चित्रकार ने बखूबी अपना नाम इस चित्र में छुपा कर लिखा। ध्यान से देखिए जापना, यहां पर देखिए, हमें दिखा था, लेकिन क्या है कि बालों का रंग और लिखावट का रंग जरा एक जैसा है ना, तो हमें ठीक से दिखाई दिया नहीं, वरना हमें ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं। लेकिन फिर भी बीरबल, इससे साबित क्या हुआ? नाम लिखा है तो लिखा है। जापना, हमने इस चित्र में सिर्फ चित्रकार के नाम को देखा ही नहीं, हम इस चित्र के चित्रकार अब्बास हुसैन से मिल के भी आए, और उससे मिलने के बाद हमें पता चला कि चित्र कोई पुराना चित्र नहीं है, हाल ही में बनाया गया हुआ चित्र है, और सारी असलियत हमारे सामने आ गई। फिर हमने सोचा कि जिस पुनर्जन्म की प्रेम कहानी को लेकर अंबर ने हम सबको बेवकूफ बनाया, क्यों ना उसी पुनर्जन्म की प्रेम कहानी में एक प्रेम के दुश्मन को पैदा किया जाए, और हमने शहजादे सलीम को जान सिंह बनाकर पेश कर दिया। वाह वाह बीरबल वाह। हाँ वासु, अब इसे ऐसे घुमा के दिखा। हाँ, अरे बेवकूफ, इसे घुमाना था ऐसे। अरे सलीम भाई साहब, जरूरी क्या है घूमना ना, अब कोई भी घूमे है ना।
दिमाग। चल ठीक है, अब इसे ऐसे करके दिखा। हौले 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 आते हैं डोले डोले, लेकिन ये है छोले छोले। अच्छा अच्छा बेटा, करो करो, सेहत बनेगी, करो। अम्मी जान, हमारी सेहत तो तब बनेगी ना जब आप ये फल हमें भी खिलाएंगी। रुको। हाँ पूपी, मुझे भी। तू बस सूंघ ले, ले। रानी साहिबा, रानी साहिबा, मेरे शोहर को बचा लीजिए, उनकी जान खतरे में है रानी साहिबा। ये तो वो हसीना है ना, अपने शाही मालिक कलीम की बीवी। तुम हसीना हो ना? क्या हुआ माली चाचा को, उनकी जान खतरे में कैसे पड़ गई? कौन है जो तुम्हारे शोहर को मारना चाहता है? हाँ, नाम बताइए हमें उसका, हम उसको छोड़ेंगे। उर्वशी का नृत्य देखने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ। हाँ। उर्वशी अब तक आई क्यों नहीं? ओ लीजिए, आ गई उर्वशी, आ गई, आइए आइए उर्वशी, आपका नृत्य देखने के लिए हमारा मन कब से मचल रहा है, आइए शुरू कीजिए। छोड़िए, अपने मचलते हुए मन को छोड़िए जापना, क्योंकि आज के बाद हम आपके दरबार में कभी नृत्य नहीं करेंगे। तो फिर कहाँ करेंगी? जापना, हम राज नर्तिका का पद छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? जापना, हमें ना नौटंकी में काम मिल गया है, अब हम शहर शहर घूम के नौटंकी में नृत्य करेंगे। उर्वशी, दिमाग खराब हो गया है आपका? एक नौटंकी में नृत्य करेंगे आप, एक नौटंकी में नृत्य करके क्या मिलेगा आपको? जापना, एक कलाकार की असली कमाई होती है लोगों का प्यार। सोचिए, जब हम इतने सारे लोगों के सामने नाचेंगे तो हमें कितना प्यार मिलेगा। हम जा रहे हैं जापना। उर्वशी आप ये नहीं, उर्वशी उर्वशी, उर्वशी। तानसेन, कोई ऐसा राग छेड़िए ताकि हमारा मन जरा ठीक हो। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका मन ठीक नहीं होगा क्योंकि हम भी आपका दरबार छोड़कर जा रहे हैं। मंदिर में बैठे भगवान हमें भजन गाने के लिए बुला रहे हैं। मतलब ये भी यहाँ से काम छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, लेकिन क्यों जा रहे हैं? बहुत दिखा दी हमने आपको हमारे संगीत की शक्ति, अब बाकी का जीवन भजन गाकर करना चाहते हैं भगवान की भक्ति। अरे तानसेन, लेकिन आप हम जहाँ पना, ये लीजिए भाला। आप बताइए, आप हमें अपना ये भाला क्यों दे रहे हैं? मुझे पता है बुबू, कल आपके दांत में जो खाना फंस गया था ना, उसी को निकालने के लिए अपना भाला दे रहा हूँ। निकाल लीजिए बुबू, हम क्या बचा है यार। अगर आप चुप नहीं हुए तो बहुत जल्द आपके सारे के सारे दांत हम तोड़ेंगे अपने हाथों से। आप बताइए, आप हमें अपना ये भाला क्यों दे रहे हैं? जहाँ पना, हमें मदारी के यहाँ नौकरी मिल गई है, इसलिए हम दरबान की नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। वाह 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 वाह, मदारी के यहाँ बंदर बन के नाचेंगे आप? बंदर बन के तो ये नाचेंगे, हम तो वहाँ डमरू बजाएंगे। ये ले लीजिए भाला, चल चल चल। अरे ना रे, आप क्या कर रहे हैं बीरबली, आपका काम नहीं है। लुट गए, बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए बर्बाद। अरे क्या हुआ रानी साहिबा? बीरबल, हमारे सारे गहने चोर चोरी कर गया। इतने महंगे महंगे गहने कहाँ कहाँ से मंगवाए थे, सब चोर लेकर गया, यहाँ तक कि हमारी कीमती साड़ियाँ भी लेकर गया। अब तुम ही बताओ, वो चोर साड़ियाँ पहनेगा? वो लड़की भी तो हो सकती है। वैसे हमारा भी सारा सामान चोरी हो गया। शाही खून है, हम दुनिया हिला देंगे, पत्थर पिघला देंगे, जमीन से खोद के बाहर निकाल देंगे। अब जमीन खोद कर क्या बाहर निकालने वाले हैं आप? मुझे पता है सलीम भाई साहब, जमीन खोद के पानी बाहर निकालेंगे।
क्योंकि खजाना तो इन्हें मिलने से रहा। अरे बेवकूफ, हम जमीन से खोद के खजाना नहीं निकाल रहे, हम उस चोर की बात कर रहे हैं, उसको हम जमीन से खोद के बाहर निकाल देंगे जिसने हमारा सामान चुराया है। क्या इसका मतलब तुम दोनों का भी सामान चोरी हो गया? रानी साहिबा, सारे चौकीदार, सारे सैनिक नौकरी छोड़कर चले गए, ये सारी चोरियां इसी का परिणाम है। ये सब जहां पनाह की वजह से हो रहा है, सब कुछ पहले से ही दास दासियां महल छोड़कर चले गए, हमें महल का सारा काम करना पड़ता है, ऊपर से हमारे गहने और साड़ियां चोरी हो गई। एक चीज अच्छी हुई है, इसी बहाने हम कुछ नई साड़ियां खरीद लेंगे, है ना बिरबल? अम्मी जान, वो चोर तो हमारा वर्जिश करने का सामान भी अपने साथ ले गया, अब हमारे औलादी टोलों का क्या होगा? क्या हो बेना? क्या हो कर रहे हैं आप? कैसे वजीर आजम है भाई साहब? आपके होते हुए महल में चोरियां हो रही है। जहां पना, अगर इजाजत हो तो आपको आखिरी बार करीब से देखना चाहता हूँ। क्यों, वहां से हम दिखाई नहीं दे रहे आपको? तो आप करीब से देखना चाहते हैं? जापना, ये इसकी आखिरी इच्छा। आइए देखिए। अब क्या हमारी गोद में बैठ के आप हमारे दर्शन करेंगे? अब देख लिया ना, जाइए अब। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बादशाह सलामत की मूंछों को हाथ लगाने? तुम्हारा सर यही कलम कर दिया। गुस्ताखी माफ जापना, मेरे दिल में जो आपके लिए इज्जत और प्यार है उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? हुजूर, पूरी दुनिया में बादशाह सलामत के इंसाफ की मिसाल दी जाती है। आपको लगता है हमें पता नहीं चला? ये जो कुछ भी कलीम ने कहा वो उन्होंने नहीं कहा, आपने उनसे कहलवाया। वो तो है जापन। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बलदेव, लेकिन गलती सारी हमारी। काश हमने अपनी ये जिद बहुत पहले छोड़ दी होती तो सब हमें इस तरह छोड़कर नहीं गए होते। कोई आपको छोड़ के नहीं गए, सब लोग यही है महल में, वो तो आपकी आंखें खोलने के लिए। बलदेव जी ने ये सब नाटक किया था, है ना बलदेव जी? हमने हमने किया था। लेकिन फिर भी जब आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो शाही माली से भी ये सब बलदेव जी ने ही बुलवाया था, है ना बलदेव जी? हमने बुलवाया था। जहाँ पर हमने ही बुलवाया था। यानी कि महल में जो चोरी हुई वो भी चोरी नहीं थी? कोई चोरी नहीं हुई। कोई चोरी नहीं हुई थी तो फिर हमारा सामान कहाँ गया? आपका सामान आपके कक्ष में। हमारे कक्ष में? अरे हमारे धन और दस्तावेज वहीं पर है। अरे ये बलदेव जी भी हमेशा चलते घोड़े पे चढ़ जाते। बीरबल, आपको क्या लगता है, हमें कुछ समझ में नहीं आया? ये सब कुछ आप ही का किया धरा है। तो फिर आपने बलदेव जी का नाम क्यों लिया? बलदेव, बीरबल, बलदेव को आपके इस नाटक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, फिर भी वो हमें छोड़कर नहीं गए। हाँ, ये सच है कि उनकी चोटियां हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो एक वफादार आदमी और उनकी वफादारी की हम कद्र करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।